वेलकम बैक टू स्टॉक्स पावर यूट्यूब चैनल। तो आज यहाँ पे हम रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड स्टॉक के बारे में बात करने वाले, लेटेस्ट अपडेट भी यहाँ पे देखने वाले। तो रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रिलायंस इंफ्रा ने आज 107.55 पे यहाँ पे क्लोजिंग दे चुका है। तकरीबन 5.70 पैसे की यहाँ पे रैली करता हुआ नजर आ चुका है। तकरीबन 5.60% अप आज रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक तकरीबन ओपन हुआ था 102 लेवल के ऊपर। ओपन होने के बाद सुबह में एक अच्छी रैली की थी, पर दोपहर के बाद भी एक अच्छा मूवमेंट बनाते हुए एक रैली अच्छी की थी। तकरीबन हाई भी बनाया था तकरीबन 109.65 का, ओपन हुआ था 103.25 पे। फिर यहाँ पे आप देख सकते कि लो बनाया था 102.25 का और हाई बनाया था 109.65 का। मार्केट कैप पे 2.82,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है तकरीबन, और 52 वीक हाई भी देख सकते हो 149.50 का है तकरीबन। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पिछले 5 दिनों की भी बात की जाए तो लास्ट 5 डेज में जितने भी गिरावट हो चुके थे उससे यहाँ पे आप देख सकते तकरीबन यहाँ पे अच्छा रिकवरी किया है, अच्छा बाउंस बैक हो चुका है रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक। 1 मंथ की भी बात की जाए तो 1 मंथ में भी देख सकते हैं तकरीबन 19.35% की गिरावट हो चुकी है रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक के अंदर। तकरीबन बहुत सी गिरावट होते हुए नजर आ रही है। रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर का यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस भी देखा जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रिसेंटली डेली चार्ट फ्रेम में रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक के लिए, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर ने यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन लिया है 107 लेवल पे रजिस्ट्रेशन लिया, जहाँ पे पहले भी यहाँ पे आप देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन ले चुका है रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक। तकरीबन 107 to 109 लेवल जो एक स्ट्रॉन्ग रजिस्ट्रेशन लेवल है यहाँ पे रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक के लिए, आज उसी लेवल पे यहाँ पे आप देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन लेता हुआ नजर आ चुका है रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक। तो कल गैप अप से भी ऊपर ओपन होता है तो अच्छी मूवमेंट देखने को मिल सकती है और भी रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक के अंदर, और सेम लेवल पे ओपन होता है सुबह सुबह ब्रेकआउट देता है फिर भी एक अच्छी मूवमेंट देख सकते हैं, और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रजिस्ट्रेशन का काम कल भी किया तो गिरावट नजर आ सकती है। तो ये थे लेटेस्ट अपडेट रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक के लिए।